गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास डीएलएड सेकेंड ईयर। क्लास डीएलएड सेकेंड ईयर हमारा सब्जेक्ट है एस वन और यूनिट है फर्स्ट, लेक्चर वन। आज का हमारा प्रकरण है वंचित वर्ग की शिक्षा। वंचित वर्ग की शिक्षा, तो सबसे पहले वंचित वर्ग के बारे में हम लोग जानेंगे। वंचित वर्ग है कौन? तो वंचित वर्ग वे लोग हैं जो सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, शैक्षिक दृष्टि से वंचित रह गए। समाज में उनको हीन भावना से देखा जाता था, उनके पास अच्छा काम नहीं है क्योंकि वो शिक्षित नहीं है। समाज में उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, वे छोटा मोटा कार्य करते हैं, वे कार्य करते हैं जो अधिकतर लोग करना नहीं चाहते हैं। जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, समाज में उनको शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है, शिक्षा से भी वंचित रह जाते हैं, उसे वंचित वर्ग कहते हैं। तो वंचित वर्ग की शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार किया जाए कि वह सामान्य लोगों की श्रेणी में आए और वे सामान्य लोगों की तरह अपना जीवन यापन सही ढंग से कर सके। तो हम जानते हैं शिक्षा ही एक ऐसा प्रक्रिया है, ऐसा वस्तु है जिससे समानता लाया जा सकता है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा जा सकता है। चाहे वो किसी भी कास्ट के बच्चा हो, अगर वह शिक्षित है तो उसका समाज में अच्छा स्थान रहता है। इसलिए शिक्षा के द्वारा ही वंचित वर्गों को सामान्य वर्ग के श्रेणी में लाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम ये चीज़ जानना चाहते हैं कि शिक्षा से वंचित वर्ग किस प्रकार वंचित रह जाते हैं, यानी वंचित वर्ग शिक्षा से किस प्रकार वंचित रह जाते हैं। इसका निम्नलिखित कारण है जो इस प्रकार है। शिक्षा भारतीय समाज के कारण वंचित वर्ग का रह जाते हैं। सबसे पहले शिक्षा से वंचित रह जाने के कई कारण हैं। वंचित वर्ग शिक्षा से कई कारणों से वंचित रह जाते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है दिव्यांगता। दिव्यांग होने के कारण भी कुछ लोग शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। शारीरिक वृत्तियाँ, यानी बहुत सारे शारीरिक रोग के कारण भी लोग शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। माता पिता का संरक्षण न मिलना, माता पिता का संरक्षण एवं स्नेह नहीं मिल पाना, माता पिता का संरक्षण और स्नेह नहीं मिल पाने के कारण भी लोग अशिक्षित रह जाते हैं, शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। मानसिक वृत्तियाँ की तरह के कारण भी बहुत लोग शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। उनको तरह तरह का मन करता है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, या मानसिक रोग के कारण भी कई तरह के लोग शिक्षा से वंचित रह। इसके अतिरिक्त अनेक कारण भी हैं जिसके कारण लोग शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इसके बाद जाति प्रथा भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण लोग शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। भारत में ये जो जाति प्रथा है वैदिक युग से भी चली आ रही है। वैदिक काल से ही भारत में जाति प्रथा चली आ रही है। जाति प्रथा के कारण भी बहुत लोग शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इसके बाद शिक्षण कार्य पर ब्राह्मण जाति का अधिकार होना। हमारे भारत में प्राचीन काल से ही शिक्षा जगत पर ब्राह्मण जातियों का वर्चस्व रहा है, और वही कारण है कि बहुत सारे लोग जो शूद्र कैटेगरी के थे, शूद्र कास्ट के थे, वे शिक्षा से वंचित रह गए। अब हमें
उनको सामान्य श्रेणी में लाने के लिए, जो लोग शिक्षा से वंचित रह गए हैं उनको सामान्य श्रेणी में लाने के लिए उनको शिक्षा से जोड़ना पड़ेगा, उनको लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था करनी पड़ेगी, तब जाके वह सामान्य लोगों के श्रेणी में आ सकते हैं। तो पहले ब्राह्मण जाति का शिक्षा पर अधिकार था, जिसके कारण छुआछूत की भेदभाव था, जिसके कारण वह बहुत सारे लोग शिक्षा से वंचित रह गए। उसके बाद भारतीय संविधान में समानता का मूल अधिकार दिया गया है, भारतीय समाज में समानता का तो मूल अधिकार दिया गया है, मगर जाति प्रथा के कारण कुछ जातियों को पिछड़ा माना जाता है। जाति प्रथा के कारण कुछ लोग जातियों को पिछड़ा माना जाता है और उसे शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है। दूसरा है अधिक जनसंख्या का होना। कभी-कभी ऐसा भी होता है, भारत में शिक्षा से वंचित रहने के कारण अधिक जनसंख्या में वृद्धि भी होता है। कुछ ऐसे परिवार हैं जिस परिवार में जनसंख्या ज़्यादा है, अधिक बच्चे हैं, जिसके कारण वे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। बच्चा जो है स्कूल नहीं जा पाता है, अपने बड़े भाई बहन को जो बड़ा बच्चा है वो अपने छोटे बच्चे को खिलाने के चक्कर में लग जाता है। इसके अतिरिक्त गरीबी भी शिक्षा के से वंचित रहने का महत्वपूर्ण कारण है। कुछ परिवार ऐसा है जहाँ पे खाने के भी लाले पड़े हैं, वे अपने बच्चे को छोटे छोटे कार्यों में लगा देते हैं, जिसके कारण भी बच्चा शिक्षा से वंचित रह जाता है, और ये ज्यादातर वंचित वर्ग में देखा जाता है। तो इन कारणों से वंचित वर्ग शिक्षा से वंचित रह गए। अब वंचित वर्गों की शिक्षा के लिए कुछ उपाय किया गया है जिससे वह शिक्षित हो सके, वंचित वर्ग के छात्रों को शिक्षा मिल सके, जो निम्न प्रकार से है। वंचित वर्ग की शिक्षा हेतु तो कुछ उपाय हैं, किस प्रकार वंचित वर्ग के बच्चे शिक्षा प्राप्त करके समान वर्ग के श्रेणी में आ जाए। सबसे पहले सरकार ने वंचित वर्ग के लिए कुछ कार्यक्रम चलाए हैं, सरकार ने वंचित वर्ग के लिए कुछ कार्यक्रम चलाए हैं, जैसे संविधान के धारा 45 के माध्यम से सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया है, यानी प्राथमिक शिक्षा सबके लिए अनिवार्य है, और सरकार ने संविधान के धारा 45 के माध्यम से यह निश्चित कर दिया है कि हर वर्ग के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है, यहाँ तक 6 वन से लेकर 8 क्लास तक हर वर्ग के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था सरकार ने कर दी है। तो यह सरकार का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से किसी भी वर्ग के बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रह सकता है। अगर कोई अभिभावक अपने बच्चे को शिक्षा नहीं दे पाता है तो उन्हें उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें दोनों का दायित्व है, बच्चे का भी दायित्व है जो वह स्कूल जाए, और अभिभावक का भी दायित्व है कि वह अपने बच्चे को विद्यालय भेजे, सरकार ने जो सुविधा उपलब्ध कराई है उसका लाभ ले। दूसरा है वंचित वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान है, वंचित वर्ग के जितने भी छात्र हैं उनके लिए सरकार ने छात्रवृत्ति की प्रावधान व्यवस्था की है, विद्यालयों में प्रवेश हेतु आरक्षण की व्यवस्था की है, वंचित वर्ग के छात्रों के लिए विद्यालय में प्रवेश के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिससे वह किसी भी विद्यालय में आरक्षण के माध्यम से वह प्रवेश कर सकता है। उसके अतिरिक्त वंचित वर्ग के बुजुर्ग लोगों के पढ़ने के लिए प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था की गई है कि अभिभावक भी प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से अभिभावक भी शिक्षित हो, जो शिक्षा के महत्व को समझे
और अपने बच्चे को स्कूल भेजे, शिक्षा के लिए प्रेरित करें, शिक्षा के महत्व को अपने अपने बच्चे को बताएं। इसके लिए प्रौढ़ शिक्षा की भी व्यवस्था की गई है वंचित वर्ग के छात्रों के लिए। वंचित वर्ग के लोगों को नौकरी में आरक्षण के प्रावधान भी किया गया है। वंचित वर्ग के छात्रों के लिए नौकरी में भी आरक्षण का प्रावधान किया है, जिससे भी वह प्रभावित होकर शिक्षा प्राप्त करे और वह नौकरी में जाए, सरकारी नौकरी में जाए और वह समान श्रेणी में आए। तो सरकार ने अनेक कार्यक्रम चलाए हैं जो वंचित वर्ग के लोगों को शिक्षित किया जा सके और उन्हें सामान्य श्रेणी में लाया जा सके। इसके बाद वंचित वर्ग के छात्रों को सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा समाज की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा बहुत सारी चीज की व्यवस्था करके वंचित वर्ग के छात्रों को सामान्य वर्ग के छात्रों की तरह या समान वर्ग के छात्रों के श्रेणी में लाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान ने बहुत बड़ा भी कार्य किया है। इसके अतिरिक्त वंचित वर्ग के छात्रों के लिए सरकारी और निजी विद्यालय में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यहाँ तक तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में भी वंचित वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो बहुत सारे उपायों के द्वारा वंचित वर्ग के छात्रों को शिक्षा में जोड़ने का प्रयास किया गया है कि उन्हें शिक्षा प्राप्त हो और वह समान वर्ग की श्रेणी में आए और समाज में उनकी स्थिति सही हो और वह समान वर्ग की श्रेणी में आकर अपने प्रतिष्ठा प्राप्त करे और अपने जीवन यापन के लिए अच्छा से अच्छा कार्य कर सके, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। तो सरकार ने निम्नलिखित उपाय अपनाए हैं। तो सरकार ने वंचित वर्ग के छात्रों के लिए विभिन्न तरह के कार्यक्रम चलाए हैं, जिसके माध्यम से वंचित वर्ग के छात्रों को शिक्षित करके और समान वर्ग के श्रेणी में लाया जा सके। इसके अतिरिक्त समाज के हर वर्ग का दायित्व है कि किसी भी जाति के बच्चे के साथ भेदभाव न किया जाए, उसे शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाए जिससे वह सामान्य श्रेणी में आ सके। हर शिक्षक का दायित्व भी है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए, चाहे वह किसी भी कास्ट के बच्चे हैं उसे सही तरह की शिक्षा व्यवस्था शिक्षा दें, उनके प्रति आदर और स्नेह की भाव रखें, उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव न रखें। इस प्रकार वंचित वर्ग के बच्चे को भी उचित शिक्षा की व्यवस्था करके उन्हें समान वर्ग की श्रेणी में लाया जा सकता है, जिससे देश का विकास हो सकता है। हमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।